मेरा स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। कांगड़ा में आयोजित युवा हुंकार रैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भरी हुंकार, बोले छाती पर भ्रष्टाचार का तमगा लगाकर घूम रहे हैं वीरभद्र सिंह। हिमाचल अधिकार पार्टी लड़ेगी विधानसभा का चुनाव, सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों से उतारे जाएंगे उम्मीदवार, मंडी में बैठक करके पार्टी गठन का लिया गया निर्णय। मनाली भाजपा है एकजुट, पूरी रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी भाजपा का पूर्व विधायक चंद्रसेन ठाकुर ने। और हमीरपुर में पट्टे पर दी गई जमीन को पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं ग्रामीण, विरोध स्वरूप ग्रामीणों ने विधानसभा चुनावों के बहिष्कार करने की दी है चेतावनी। शुक्रवार को मंडी स्थित वल्लभ महाविद्यालय में एवीपी इकाई की कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। मंडी एवीपी विभाग के अध्यक्ष चेतन गुलेरिया की अध्यक्षता में चुनाव सम्पन्न हुए जिसमें संजय कपूर को इकाई अध्यक्ष चुना गया। शुक्रवार को मंडी स्थित वल्लभ महाविद्यालय में एवीपी इकाई की कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। मंडी एवीपी विभाग के अध्यक्ष चेतन गुलेरिया की अध्यक्षता में चुनाव की प्रक्रिया पूरी की गई। चेतन गुलेरिया ने बताया कि मंडी कॉलेज की एवीपी कार्यकारिणी का 2017-2018 के लिए चुनाव किया गया है और इसमें 80 सदस्यीय कार्यकारिणी का चयन किया गया है जिसमें संजय कपूर को इकाई प्रधान चुना गया। आज मंडी महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी जो 2017-18 में पूरे साल भर छात्रों के मुद्दों को लेकर काम करने वाली है, चाहे वो कैंपस से रिलेटेड मुद्दा हो, चाहे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कोई मुद्दा हो, चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी कोई मुद्दा हो, उससे में हम विद्यार्थी परिषद की क्या भूमिका रहने वाली है उस विषय में पूरे साल भर ये कार्यकारिणी काम करने वाली है और समय समय में स्टूडेंट्स की डिमांड को लेकर स्टूडेंट्स के वेलफेयर में विद्यार्थी परिषद काम करती है और कुछ ऐसा विषय आएगा तो विद्यार्थी परिषद में पूरे साल भर काम करती रहेगी। चेतन गुलेरिया ने बताया कि यह कार्यकारिणी एक वर्ष के लिए गठित की गई है और वर्ष भर छात्र हित की समस्याओं के लिए कार्य करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट केजरल। मंडी स्थित वल्लभ महाविद्यालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में महाविद्यालय के सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पूर्व हिंदी विभाग के सेवानिवृत्त अध्यक्ष धर्मपाल ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। वल्लभ महाविद्यालय में हिंदी भाषा के प्रयोग व महत्व पर आधारित हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में शुक्रवार को कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आईडी शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की व महाविद्यालय में पूर्व में रहे हिंदी विभाग के अध्यक्ष धर्मपाल ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आईडी शर्मा ने कहा कि इस कार्यशाला में हिंदी भाषा के प्रयोग व महत्व पर प्रकाश डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाषा किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है और भाषा के द्वारा राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति की जा सकती है। आज वल्लभ महाविद्यालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है जिसमें राष्ट्रभाषा हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। इसमें छात्र काफ़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं और इस पखवाड़े में हिंदी भाषा के प्रयोग और उसके प्रति प्रेम और उसके प्रति जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है उसके ऊपर जोर डाला जा रहा है। हमारे छात्र काफ़ी संख्या में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और भाषा वास्तव में हमारे राष्ट्र की आत्मा होती है और इसमें भाषा के माध्यम से ही हम अपनी राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति कर सकते हैं और इसमें सबसे बड़ी बात कि हमें अपने माइंड्स के साथ साथ अपनी जो भाषा है, लिंग्विस्टिक जो बेसिस है, उसे भी डीकोलोनाइज करने की आवश्यकता है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं आज के इस वर्कशॉप में उठाए जाएंगे और छात्र जो हैं इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर। वही विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित सेवानिवृत्त हिंदी विभाग के अध्यक्ष धर्मपाल ने कहा कि हिंदी न केवल राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, बल्कि संपर्क भाषा भी है और हिंदी को वैश्विक भाषा का दर्जा मिलना चाहिए और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये भाषा निरपेक्ष भाषा है जिसे हम एक शब्द प्रयोग में लाते हैं धर्म निरपेक्ष,
विश्व में यदि कोई भाषा धर्मनिरपेक्ष भाषा है तो उसका दर्जा केवल और केवल हिंदी को प्राप्त हो सकता है। इस अर्थ में मैं यह मानता हूँ कि हिंदी को वैश्विक भाषा का दर्जा संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में घोषित होना चाहिए। इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और इसमें क्योंकि ये दुनिया की तीसरी बड़ी भाषा है, दो भाषाएं जिनका उल्लेख यहाँ बच्चों ने किया है, चीनी और अंग्रेजी भाषा, वो आने वाले समय में पिछड़ सकती हैं। उसका एक कारण यह है कि भाषा के विकास में यांत्रिक विकास अंतिम विकास होता है और अंग्रेजी उस विकास को हासिल कर चुकी है। विधानसभा निर्वाचन 2017 में फ्लाइंग स्काइड के वाहन जीपीएस सिस्टम से जुड़े रहेंगे। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत ही सभी चुनावी प्रक्रिया से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पूर्ण की जा रही हैं। ये जानकारी हमीरपुर के डीआरडीए भवन में मीडिया वर्कशॉप के दौरान एडीएम रतन गौतम ने दी। हमीरपुर के डीआरडीए भवन में मीडिया वर्कशॉप के दौरान एडीएम रतन गौतम ने कहा कि चुनाव के लिए जिला हमीरपुर पूरी तरह से तैयारियां कर रहा है। एडीएम रतन गौतम ने कहा कि निर्वाचन से संबंधित तैयारियां जोरों पर चल रही है और आदर्श आचार संहिता के दौरान किस तरह से काम किया जाए, चुनावों के दौरान होने वाली गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने समस्त नागरिकों से अनुरोध किया कि वे मतदाता सूचियों में अपना नाम दर्ज होना सुनिश्चित करें। विशेषकर 18 से 21 वर्ष के आयु वर्ग के पात्र युवाओं से अनुरोध है कि वे 30 सितंबर से पहले फोटो युक्त मतदाता सूची में अपना पंजीकरण की पुष्टि अवश्य कर ले। ये जो कार्यशाला है वो आदर्श आचार संहिता और इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग इसके ऊपर रखी गई थी और विशेष करके जो आदर्श आचार संहिता है जो आने वाले समय में हमारे विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें जो है वो सभी राजनीतिक दल उनका जो है वो अनुपालन सुनिश्चित करें, उसके लिए भी जो है वो ये आदर्श आचार संहिता जो है वो जैसे चुनाव की घोषणा होगी उसके साथ लागू हो जाएगी, उससे संबंधित ये आज ये रखी गई थी। उन्होंने बताया कि बूथ लेवल अधिकारियों के लिए कार्यशाला आयोजित की जा चुकी है, इसके साथ ही विभिन्न टीमें भी गठित कर दी गई हैं ताकि चुनावों को निष्पक्ष तौर पर संपन्न करवाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहां रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल इम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलान शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर ना कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल इम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। एसटीएम गोहर राघव शर्मा की तरफ से सभी इलाका वासियों, गोहर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को जिला स्तरीय नलवाड़ मेला खेड़ की हार्दिक शुभकामनाएं। परंपराओं के साथ जुड़ा यह मेला आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। डीएफओ नाचन टीआर दीवान की ओर से समस्त नाचन वासियों, समस्त जिला वासियों और समस्त प्रदेश वासियों को जिला स्तरीय नलवाड़ मेला खेड़ की हार्दिक शुभकामनाएं। तहसीलदार नाचन मुंशीराम की तरफ से समस्त इलाका वासियों, गोहर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को जिला स्तरीय नलवाड़ मेला खेड़ की हार्दिक शुभकामनाएं। खेड़ मेला आपके इलाके के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। उप प्रधान ग्राम पंचायत गोहर ज्ञान सिंह की ओर से सभी नाचन वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को जिला स्तरीय नलवाड़ मेला खेड़ की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मेले में भाग लेकर आपसी भाईचारे को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। उपप्रधान ग्राम पंचायत बासा उमेश कुमार की ओर से समस्त नाचन वासियों, समस्त जिला वासियों और समस्त प्रदेश वासियों को जिला स्तरीय नलवाड़ मेला खेड़ की हार्दिक शुभकामनाएं। चैल चौक से 100 मीटर दूर कर सुग रोड पर खुल गया है एमएल शर्मा होम स्टे, जहां आपको ठहरने के लिए उचित दामों पर कमरों की सुविधा मिलेगी।
इसके साथ ही यहां आपको लजीज लंच व डिनर की सुविधा भी मिल पाएगी। जिला स्तरीय नलवाड़ मेला खेड़ में पहुंचे जिलावासी और प्रदेशवासी अपने सफर को बेहतरीन बनाने के लिए जरूर पहुंचे एमएल शर्मा होम स्टे। कांगड़ा में आयोजित युवा हुंकार रैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भरी हुंकार, बोले छाती पर भ्रष्टाचार का तमगा लगाकर घूम रहे हैं वीरभद्र सिंह। हिमाचल अधिकार पार्टी लड़ेगी विधानसभा का चुनाव, सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों से उतारे जाएंगे उम्मीदवार, मंडी में बैठक करके पार्टी गठन का लिया गया निर्णय। मनाली भाजपा है एकजुट, पूरी रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी भाजपा का पूर्व विधायक चंद्रसेन ठाकुर ने। और हमीरपुर में पट्टे पर दी गई जमीन को पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं ग्रामीण, विरोध स्वरूप ग्रामीणों ने विधानसभा चुनावों के बहिष्कार करने की दी है चेतावनी। नाचन की ग्राम पंचायत महादेव में शिव आठ रामलीला कमेटी महादेव द्वारा रामलीला का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ मौके पर नाचन कांग्रेस के भावी नेता व जिला कांग्रेस कमेटी सुंदरनगर के प्रवक्ता ब्रह्मदास चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। नाचन विधानसभा से लंबे समय से प्रबल दावेदार कांग्रेस पार्टी के नेता तथा जिला कांग्रेस कमेटी सुंदरनगर के प्रवक्ता ब्रह्मदास चौहान ने अपनी स्थानीय पंचायत महादेव में शिव आर्ट रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कमेटी के प्रधान मनोज कुमार ने मुख्य अतिथि को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने इस अवसर पर आयोजकों को रामलीला मंचन को लेकर बधाई दी। अपने संबोधन में ब्रह्मदास चौहान ने कमेटी के अध्यक्ष व सभी सदस्यों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि रामलीला का आयोजन कई सदियों से किया जा रहा है और आज भी लोगों ने इस परंपरा को संजोए रखा है, जो कि सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि रामलीला की परंपरा विलुप्त हो रही है, वहीं महादेव शिव आर्ट कमेटी ने रामलीला के मंच को आज भी संजो कर रखा है, जिसके लिए कमेटी बधाई की पात्र है। उन्होंने सभी को भगवान राम के पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा दी। रामलीला कमेटी में हर साल की भांति मुझे जो प्यार सदैव मिल रहा है और ऐसा मिलते रहे, मैं रामलीला कमेटी को अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने एक समाज के उत्थान के लिए भगवान रामचंद्र जी का जो एक रामायण के रूप में जनता के बीच में इसको दिखाया जाता है। मैं ये चाहूँगा कि इस रामलीला जो आयोजन किया जा रहा है, तो मैं अपनी समस्त जनता से और मेरे छोटे भाई व बच्चे को मेरी माता, मैं तो यही चाहूँगा कि जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो अपने माता पिता का जो आज्ञा का जो पालन किया, उसी तरह मैं चाहूँगा इन बच्चों से भी और अपने भाइयों से भी यही चाहूँगा कि जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने माता पिता का कहना मानकर 14 साल का वनवास काटा, तो इसी तरह ये संकल्प लेके चलना चाहिए कि हमें भी अपने माता पिता के आशीर्वाद से संसार में अच्छी सेवा और समाज सेवा के रूप में काम करें। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। मंडी की कोटली में शरद नवरात्रों में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला का शुभारंभ मंडी शहर के समाज सेवी व ख्याति प्राप्त स्वर्णकार स्वर्ण आभा के मालिक विवेक आनंद ने रिबन काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर भारी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। मंडी के कोटली में लगभग पिछले 2 दशकों से रामलीला का मंचन किया जा रहा है और इस वर्ष भी रामलीला कमेटी कोटली के द्वारा श्री रामलीला का मंचन किया जा रहा है। इसी कड़ी में वीरवार को शरद नवरात्रों के शुरू होते ही कोटली रामलीला का आगाज हो गया।
रामलीला के शुभारंभ मौके पर मंडी शहर के प्रतिष्ठित स्वर्णकार एवं समाज सेवी स्वर्ण आभा शोरूम के मालिक विवेक आनंद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। रामलीला कमेटी के सदस्यों व स्थानीय महिला मंडल की महिलाओं ने उनका बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। विवेक आनंद ने मंच पर रिबन काटकर व दीप प्रज्वलित कर श्री रामलीला का शुभारंभ किया। रामलीला कमेटी के प्रधान व पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि को टोपी पहनाकर व शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विवेक आनंद ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए रामलीला कमेटी का धन्यवाद जताया। उन्होंने कहा कि श्री राम के जीवन से प्रेरणा पाकर उनके आदर्शों पर चलकर हम अपने जीवन की चुनौतियों व कठिनाइयों पर विजय पा सकते हैं। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा नवरात्रों के लिए, और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज भी हमारे देश में जब हमारी संस्कृति एक ऐसे समय पर पहुँच चुकी है, विलुप्त होने के समय पर पहुँच चुकी है, आज भी प्रशांत मोहन जी के जो एफर्ट्स हैं और यहाँ पे जो रामलीला कमेटी के जो एफर्ट्स हैं, उन्होंने सांस्कृतिक धरोहर को आज भी जिंदा रखा हुआ है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा प्रशांत जी और उनकी टीम को। और दोस्तों, मेरा मानना ये है कि भगवान नारायण जब अवतरित हुए भगवान राम के रूप में, तो उनका अवतरित होने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि वो मानव जाति को अपने जीवन के बारे में बताएं कि उनको जीवन कैसे जीना है। हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें हैं दोस्तों, बट हमें उन मुसीबतों के आगे घुटने नहीं टेकने हैं, हमें डट कर लड़ना है। हम डट के तभी लड़ पाएंगे जब हमारे मन में सच्चाई है, जब हमारे मन में एक धारणा है कि हम लोग प्रभु राम के दिखाए हुए रास्ते के ऊपर चलेंगे। आज के लिए ये संदेश है मेरा। वहीं रामलीला कोटली के वरिष्ठ उप प्रधान प्रशांत मोहन ने बताया कि मंडी शहर के प्रतिष्ठित स्वर्णकार स्वर्ण आभा के मालिक विवेक आनंद ने मुख्य अतिथि के रूप में रामलीला का शुभारंभ किया और रामलीला का आयोजन 11वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। उन्होंने बताया कि मुख्य अतिथि के द्वारा रामलीला कमेटी के संस्थापक सदस्यों को टोपी पहनाकर उनको सम्मानित किया गया। जी विवेकानंद जी हमारे बीच में संकट मोचक के रूप में आए, क्योंकि अचानक डीसी साहब के तबादला हो जाने से जो संकट की स्थिति आ गई थी, इन्होंने हमारे संकट का निवारण करते हुए हमारे कार्यक्रम का बहुत खुशी खुशी उद्घाटन किया और हमें 11,000 रुपए की एक बड़ी राशि जो है वो सहयोग के रूप में भेंट की। मैं इनका इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और श्री संदीप कदम जी को जरूर मैं याद करना चाहूंगा, क्योंकि वो लगातार पिछले 3 साल तक हमारे कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए आते रहे और मंडी जिला के लिए उनकी जो सेवाएं हैं वो हमेशा अविस्मरणीय रहेगी। मंडी जिला के लोग, तुंगल घाटी के लोग, कोटली के लोग उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे और वे जहां भी जाएं आगे वो तरक्कियां जो हैं उनको जीवन में मिलती रहें, यही दुआ करते हैं। वहीं रामलीला के पहले दिन नारद संवाद, इंद्र का सिंहासन डोलना जैसे दृश्यों के द्वारा कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का मंचन किया और लोगों ने इसका काफी लुत्फ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आयोजित युवा हुंकार रैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भरी हुंकार, बोले छाती पर भ्रष्टाचार का तमगा लगाकर घूम रहे हैं वीरभद्र सिंह। हिमाचल अधिकार पार्टी लड़ेगी विधानसभा का चुनाव, सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों से उतारे जाएंगे उम्मीदवार, मंडी में बैठक करके पार्टी गठन का लिया गया निर्णय। मनाली भाजपा है एकजुट, पूरी रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी भाजपा का पूर्व विधायक चंद्रसेन ठाकुर ने। और हमीरपुर में पट्टे पर दी गई जमीन को पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं ग्रामीण, विरोध स्वरूप ग्रामीणों ने विधानसभा चुनावों के बहिष्कार करने की दी है चेतावनी।